नमस्कार, मैं आशुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत में। बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 का। जैसे अंत हो चुका है और इस अंत के बाद ही उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में जिस नेता ने, जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा दमखम बनाया, जिस सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, सबसे ज्यादा प्रचलित रहा, वो नेता है चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी। जब से चंद्रशेखर आजाद ने नगीना की सीट से जीत दर्ज की है, उसके बाद से ही तमाम दलों की बीच में और तमाम दलों के एक तरह से कहें तो जो आपस में बातचीत हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है कि अब चंद्रशेखर आजाद को या तो इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए या फिर एनडीए ब्लॉक में। इसी के लिए दोनों पार्टियां और दोनों खेमे लगातार आजाद को मनाने की तमाम प्रक्रिया कर रहे हैं और इन्हीं प्रक्रियाओं के बीच एक पार्टी और एक शख्स जो एक मुख्य चेहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, वो अब लगातार चंद्रशेखर आजाद को मनाने के तमाम तरह के प्रयास कर रही है। हम बात कर रहे हैं मायावती की। जी हाँ, बीएसपी पार्टी की मुखिया और मुख्य चेहरे मायावती, जो इस बार इस चुनाव में एक सीट पर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई, वही मायावती के रुख अब बदल चुके हैं। वही मायावती के शब्द, वही मायावती के बोल अब बदल चुके हैं, क्योंकि अब मायावती की राह जो है वो इस प्रकार की है कि मायावती अब आजाद को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास जो है वो कर रही है। मायावती का सीधा सीधा जो अब रुख है वो इस प्रकार से है कि आकाश आनंद की जगह चंद्रशेखर आजाद को बीएसपी पार्टी में मुख्य चेहरे के तौर पर कमान सौंप दी जाए और इसी के लिए अब चंद्रशेखर आजाद से मिलने और उनसे बातचीत करने, सूत्रों के हवाले से जो खबर है उनके अनुसार अब मायावती उनसे बातचीत करने पहुंच रही है। लेकिन मुद्दा उठता है कि क्या मायावती, एक तरह से कहें या एक तरह से सवाल उठाएं तो क्या मायावती आजाद को मना पाएंगी, क्या मायावती आजाद को, चंद्रशेखर आजाद को इस तरह से रास पाएंगी? क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और मायावती की पार्टी का गठबंधन होने की बातचीत चल रही थी, लेकिन चुनाव का भी अंत आ गया, परिणाम सामने आ गए, आजाद ने बहुमत के साथ 1.5 लाख वोटों के साथ जीत भी दर्ज कर दी, लेकिन कहीं से कहीं तक भी आजाद और मायावती का गठबंधन देखने को नहीं मिला। तो अब देखना यह है कि क्या मायावती सच में चंद्रशेखर आजाद को आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले, जो 2027 में है, उनसे पहले क्या मायावती आजाद को रास पाएंगी? भाई दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं तो आजाद की जो राह है, आजाद का जो रुख है, वो अब दिल्ली की ओर भी मुड़ता दिखाई दे रहा है। इसमें मायावती किस प्रकार से अपना एक खास दबदबा बना पाएंगी, ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।